साथ में मीडिया के साथ पधारने का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय। और हमारे बूथ हमारे वर्तमान पार्षद श्री सरला रानी जी और निमदेश जी हैं, महावीर जी, सुनील कुमार जी और अन्य व्यक्ति गण शहर के, और हमारे कश्यप जगदीश जी जो सहायक श्री कर्मवीर सनिया के साथ रहते हैं, वो यहाँ पर सभी को आने का मैं धन्यवाद करता हूँ। सर आज कैसे झगड़ा थे कि निवास स्थान पर पहुंचे हैं, क्या विषय? आज तो हम जलपान का एक कार्यक्रम था, प्रोग्राम के तहत हम यहाँ पे आए हैं और कोई विशेष प्रोग्राम नहीं है, परंतु जो प्रोग्राम है उसके बारे में मैं थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के 75 साल होने के बाद अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत घर घर जो तिरंगा लगाने का कार्यक्रम है वो बड़े जोर शोर से देश और प्रदेश में चला हुआ है। इसी कड़ी में 13, 14, 15 तारीख को सारे देश में सारे प्रदेश में तिरंगा झंडा जो है वो हर घर में लगाने का काम जो है पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और हमने भी 13 अगस्त को रामपुरा रोड पे वीर भवन में हर गांव से कार्यकर्ताओं को, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुला करके वहां हमारी तरफ से झंडे जो तिरंगे झंडे हैं वो दिए जाएंगे, ताकि गांव-गांव जाकर के कार्यकर्ता वो झंडा लगाएंगे, ताकि एक देशभक्ति का जुनून जो है वो हर घर में पैदा हो और जुनून जो है आगे चलता रहे। तो इसलिए पार्टी ने बहुत बड़ा फैसला किया है, ताकि देश में एक ऐसा माहौल बने, नौजवान जो तबका है उसके दिल में जो पिछले हमने किस तरीके से आज़ादी मिली, कैसे हम आज़ाद हुए देश में और किन किन लोगों ने बलिदान दिया, तो ऐसे स्वरूप में मना करके ताकि हर दिन हर आदमी को हर नौजवान को इसके बारे में जानकारी हासिल हो। और पिछले 7 साल में जो अमूलचूल परिवर्तन हरियाणा में देश में हुआ है, हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज अमूलचूल परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन जो हुई है, आज बहुत सारा माहौल जो है वो बदलाव में है और दूसरी पार्टियों को अस्तित्व नहीं है। आपने देखा किस तरह से घबराए हुए हैं, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जी, उन्होंने माननीय हमारे आदरणीय सम्मानित जो देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके बारे में जो भाषा का इस्तेमाल किया, ऐसे नेता को खुले में घूमने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का जो है वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए और पार्टी ने भी कांग्रेस पार्टी ने इसको निकालना चाहिए और देश से और आम जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो माफ़ी का बयान तो आया सर, उन्होंने कहा कि जुबान फिसल गई है, वो तो खाली राष्ट्रपति महोदया जी से मांग रहे हैं, देश से मांगनी चाहिए। वो देश है, संविधान पद संविधानिक पद है, खाली उनसे नहीं बल्कि देश से मांगनी चाहिए। और आज प्रदेश कांग्रेस पार्टी भी एक चिंतन शिविर का जिस तरह से एक स्थल लगाने का मोरनी में उन्होंने फैसला किया है, ये चिंतन शिविर नहीं है बल्कि एक चिंता शिविर है। इनको ये लगा हुआ है कि पार्टी बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है, आज कोई नेता इनके पास नहीं है,
ना देश में ना प्रदेश में, बल्कि इस बात की चिंता कर रहे हैं कौन आपके साथ खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। जिस तरह से आदरणीय कुलदीप जी भी भारतीय जनता पार्टी में आत्मा की आवाज़ पे वोट भी दिया और वो भी बहुत जल्दी हो सकता है फैसला ले, तो जो इनके पिछले जो कारनामे थे, जो पिछला जो शासन किया इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने, उससे जो उन्होंने पाप किए हैं वो उससे डरे हुए हैं। नहीं तो आज डरने की क्या जरूरत है। आज श्रीमती सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है किसी मसले पर, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है हेराल्ड का, उसमें हो हल्ला करने की क्या जरूरत है। एक समय ऐसा था बहुत सारे बीजेपी के नेताओं से पूछताछ हुई थी, कभी नहीं प्रदर्शन हुए, कभी नहीं धरने हुए। तो ये भोखड़ाए हुए हैं क्योंकि इनकी जमीन जो है वो खिसक चुकी है, धरातल पे ये कहीं नहीं है, ना गांव में ना शहरों में, ना इनकी कोई नीति है, ना कोई नेता है, ना कोई नीयत है इनकी, ना भला करने की नीयत है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि हमने जो जिस तरह से हमारी पार्टी ने फैसला किया 13, 14, 15 तारीख को, उस पर हम बहुत सारे लार्ज स्केल पे जो है नौजवान हमने बुलाए हैं 13 तारीख को, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जनता वितरित करेंगे ताकि शहर में और गांव में तिरंगा ही तिरंगा लहराए। कोई प्रभात फेरी का भी प्रोग्राम रहने वाला है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके इस चीज़ पर, हर घर तिरंगा बने। आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे 5 तारीख को वो जींद में आ रहे हैं, कार्यक्रम है उनका, वो दिशा निर्देश जो कार्यकर्ताओं को दे करके जाएंगे, जो फैसला पार्टी करेगी, क्योंकि फैसला कर रही है पार्टी क्या क्या हमने प्रोग्राम बनाने हैं, हर घर घर को तिरंगा देने का प्रोग्राम है, प्रभात फेरी है, या फिर तिरंगा यात्रा है, हम पहले भी कर चुके हैं, इस तरह के कार्यक्रम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो अनाउंस करेंगे 5 तारीख को, तो हम उसको लागू करेंगे, उस पर पूरा काम करने का काम करेंगे जी। क्या हरियाली 30 है उसको लेकर क्या करेंगे? आज मैं ये बड़ा हरियाणा के लिए बड़ा उत्सव का मौका है, और तीज का त्यौहार हमने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, हमारी बहनों को मनाना चाहिए, हम सब बड़ा खुशी के माहौल में हैं और हम सब इसको मिल के मनाएंगे। खेड़ा केमावती में पुलिस की रेड के कारण एक युवक जवान जान गंवा बैठा, कल उसको पुलिस अंदर दबाने का प्रयास कर रहा था, लास्ट में वो मीटिंग करके वो बात फाइनल हो पाई, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या पुलिस के तंत्र में कोई खामियां आपकी? हमें बड़ा दुख है, हमारा नौजवान हमारे बीच में चला गया। मैं अभी अभी शोक व्यक्त करके खेड़ा केमावती से आया हूँ, उन लोगों से मिल के आया हूँ, पीड़ितों से, मैं समझता हूँ बहुत ही दुखदायी घटना है, एक हमारा नौजवान साथी हमारे बीच से चला गया। पर इसकी जो जांच है, आला अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं, जो भी दोषी होगा उसमें बख्शा नहीं जाएगा, और बहुत सारी शर्तें जो हों प्रशासन ने उनकी मानी है, और वो जो प्रशासन ने जो मांगी इन्होंने रखी है वो मानने बहुत जल्दी वो पूरी हो जाएंगी, ऐसी मेरे को पूरी उम्मीद है। और कोई विशेष सभी लोगों ने कहा? नहीं, मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ, हमारा तो जितना भी राजनीतिक जीवन रहा है, हमेशा से सौहार्दपूर्ण माहौल को क्रिएट करें, उसको मनाएं और अच्छे से त्यौहार मनाएं, और भाईचारा कायम रखें। 36 बिरादरी के भाई जो हैं, भाईचारा रखते हुए विकास में सरकार का, श्री मनोहर लाल जी का, और ऊपर केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी का सहयोग करें, क्योंकि उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मंशा है, किस तरह से राष्ट्र को मजबूत करें, देश को मजबूत करें, और 36 बिरादरी के लोगों के लिए कल्याणकारी कितनी हम योजनाएँ लागू करें, किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, उनका एक ही सपना है, हमारा देश जो है विश्व में नंबर एक बने, ये उनका सपना है, और अपना व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। आपने देख लिया मनोहर लाल जी सफेदों में आए, मुख्यमंत्री जी कितने करोड़ों करोड़ों रुपए की सौगात यहाँ देके गए, और हमारा सौभाग्य आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और हमारे 6 जो है नेशनल हाईवे जो जिला जींद में निकलने का काम हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा उन्नति होने वाली है, और हमारे विधानसभा क्षेत्र से भी 3 के करीब नेशनल हाईवे, आप देखिएगा KMP से लेकर के कटरा तक हमारा पीलूखेड़ा, तो आपको थोड़े से दिन में अगर आप देखोगे तो पहचान भी नहीं पाओगे। इसी तरीके से कोटपुतली से लेकर के वहाँ अपने अम्बाड़ा तक का जो है नेशनल हाईवे, वो बन के तैयार हो चुका है, 1 तारीख से चालू हो जाएगा,
मैं भी एक दिन आया था तो इतना लंबा सफ़र जो है अम्बाड़ा से थोड़ा इस साइड से वो पिल्लूखेड़ा की तरफ पड़ता है इस्माइलाबाद के करीब से, एक घंटा में 50 मिनट में मैं पिल्लूखेड़ा उतर गया था। तो इतना लंबा सफ़र जो है इतने थोड़े समय में हम कवर करेंगे, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने हम जाते हैं, पूरा पूरा दिन लग जाता था, सुबह चलते थे, अब हम 5-6 घंटे में माता जी के दर्शन कर पाएंगे, तो इतना बड़ा सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। सर नेशनल हाईवे की आप बात करते हैं, लेकिन जो आसपास की हम बात करें तो सभी रोड टूटे हुए हैं। एक 35 रोड मुख्यमंत्री के आने से बना था, लेकिन अभी उसकी हालत फिर जर्जर हो चुकी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बरसात के बाद आज भी सरकार का ध्यान है कि जितने भी विधायक हैं उनको 25-25 करोड़ रुपए जो सड़कों की मुरम्मत के लिए या कोई नई सड़क है वो देने का ऐलान किया सरकार ने, और वो डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से, उपायुक्त के माध्यम से वो सारे बना के तुरंत तैयार करेंगे। बरसात के सीजन ख़त्म होते ही सारे काम पूर्ण किए जाएंगे, क्योंकि अब बरसात का सीजन है, थोड़ी बहुत खामी रह जाएगी, उसके तुरंत बाद जो है सड़कों का, नईयों का या रिपेयर का काम जो है वो करेंगे। जींद नगर परिषद के अंदर अनुराधा सैनी ने अपने विकास का पहिया शुरू कर दिया, सफेदों नगर पालिका आज भी ठंडे बसते हैं, क्या ऐसा है? देखिएगा, ना सफेदों में फ़र्क है ना जींद में फ़र्क है, कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ के हमारे साथी जितने यहाँ पे बैठे हैं, एमसी साहब बैठे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं सबसे सीनियर हैं, और सारे साथी हैं, जितने भी हमारे एमसी साथी यहाँ पे बैठे हैं, सबकी मनसा एक ही है। आज नौजवान तबका बन के आया है, इन सब की मनसा एक ही है, हमने सफेदों को आगे ले जाना है, और बहुत जल्दी इनकी 1-2 तारीख को शायद मीटिंग भी है एजेंडे को लेकर के, 2 तारीख को मीटिंग है, और उसमें सब ये एजेंडा अपने अपने एरिया के काम देंगे। अभी भी कई वार्डों का काम अभी भी आरडी प्लान में भी और भी काम आएंगे, पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। जितने भी एमसी हैं मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ, पूरी तरह से इनके जितने विकास के काम हो सारे पूरे होंगे, और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाई चाहे किसी भी कैसे कैसे भी बढ़ के आया है, किस तरीके से बढ़ के आया है, सब ने अपने बहुत हिम्मत जुटाई है, बहुत मेहनत करी है। मैं समझता हूँ ये छोटा इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है, और इसके तहत जो भी बन के आया बड़ी मेहनत से बन के आया है, तो मैं समझता हूँ उनको काम होने चाहिए और वार्ड इनका आगे होना चाहिए। बहुत सारे वादे इन लोगों से किए हैं, तो मैं समझता हूँ सारे वादे हम मिल के पूरे कराएंगे। बहुत बहुत थैंक यू।